भिवापुर तालुका के नान परिसर में सोयाबीन की कटाई के समय अचानक बारिश आने से सोयाबीन की फसल खराब हुई, जिसके चलते सोयाबीन को बाजार में अच्छा भाव नहीं मिल रहा। इस कारण किसानों को ना तो अच्छा मार्केट में बाजार भाव मिल रहा है। पहले ही सोयाबीन को पीला म्योजाक और खोड़ कीड़े लग जाने से सोयाबीन फसल एकरी उत्पादन में 2-3 एकरी क्विंटल की फसल हाथ आ जाने से किसानों को 75% का नुकसान का सामना करना पड़ा। जो सोयाबीन निकाला गया वह भी डैमेज और मट्टी युक्त सोयाबीन घर आया। इस कारण अभी डैमेज सोयाबीन को अलग करने की प्रक्रिया इस इलाके में शुरू हुई है। यह साइरल सेपरेटर मशीन के माध्यम से अच्छे सोयाबीन को अलग करके डैमेज सोयाबीन और मट्टी कंकड़ अलग करने का काम यह मशीन करती है। इस मशीन के माध्यम से एक दिन में 20 क्विंटल सोयाबीन साफ कराया जाता है। इस मशीन से सोयाबीन की प्रतिवारी फिल्टर सोयाबीन जैसी प्रतिवारी होने के कारण बाजार भाव में सुपर सोयाबीन का भाव मिल जाता है। इस मशीन के उपयोग के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ती है। यह मशीन गांव खेड़े में किराए से मिलती है। एक दिन का इसका किराया लगभग 400 रुपए लगते हैं। यह प्रयोग तालुका में हर गांव में अभी भारी मात्रा में चल रहा है। भिवापुर से राम वाघमारे की रिपोर्ट, NBC न्यूज़ नागपुर।